जनपद न्यायाधीश के स्थगन आदेश एवं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम भाजपा नेता व पदाधिकारी बिना नक्शा पास कराए मंदिर की संपत्ति पर कर रहे हैं अवैध कब्जा व निर्माण। मंदिर की संपत्ति पर सत्ताधारी पार्टी के नेता करा रहे अवैध कब्जा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राकेश वर्मा व राजीव शर्मा ने साठ गांठ कर फर्जी तरीके से कराया मंदिर की संपत्ति का बैनामा। जनपद न्यायालय के विषेधाज्ञा आदेशों के बावजूद करा दिया मंदिर की संपत्ति का बैनामा और स्थगन आदेश को दरकिनार कर निरंतर निर्माण कार्य जारी। रविवार लॉकडाउन के आदेशों का खुला उल्लंघन, निर्माण कार्य जारी। उप जिला अधिकारी के निर्माण कार्य रोकने के आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी है। बिना नक्शा स्वीकृत कराए रात और दिन निरंतर निर्माण कार्य जारी है। पंडित बलराम जी ने अपने जीवन काल में दो वक्त नामे क्रमशः दिनांक 12/4/1883 व 4/2/1888 में ये व्यवस्था दी थी कि मेरे पश्चात मेरे खानदान के सदस्य मुतवल्ली व मुंतजीम होंगे। उनके सगे भाई पंडित कल्याण सिंह मुतवल्ली व मुंतजीम हुए थे। उनके पुत्र पंडित राम रतन जी मुतवल्ली व मुंतजीम हुए एवं उनके बाद उनके एकमात्र पुत्र श्री रामदेई मुतवल्ली व मुंतजीम हुई और उपरोक्त मंदिर और उसकी संपत्ति की देखभाल करती रही। जिला न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद नगर पालिका द्वारा फर्जी तरीके से नरेंद्र त्रिवेदी को मुतवल्ली घोषित किया। नगर पालिका के रिकॉर्ड में नरेंद्र त्रिवेदी को मुतवल्ली दर्शाते हुए उसके विपरीत अवैध रूप से स्वयं को वारिस घोषित कर रजिस्ट्री विभाग में कर दिया संपत्ति का बैनामा। स्थानीय लोगों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रिजेश चौधरी का भी कब्जा कराने में संरक्षण बताया। बिना मानचित्र की स्वीकृति के ही बीजेपी के पदाधिकारी सत्ता के गुरूर में करा रहे हैं निर्माण कार्य। स्थानीय लोगों ने पुलिस व प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। सत्ताधारी नेताओं के सामने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी नतमस्तक साबित हुए। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बड़ा बाजार में है चल रहा अवैध निर्माण कार्य। भैया क्या आज यहाँ आए, क्या मामला है? 1880 से एक प्राचीन मंदिर मंडी चौक में स्थित है जिसकी संपत्ति जगह जगह पर अमरोहा में स्थापित है। वहाँ पर कुछ भूमाफिया जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जिसके जिला उपाध्यक्ष राकेश वर्मा उन्होंने अपने भाई के नाम और राजीव शर्मा जिला उपाध्यक्ष उन्होंने अपनी पत्नी के नाम फर्जी तरीके से एक फर्जी आदमी नरेंद्र त्रिवेदी के कहने पर अपने नाम बैनामा करा लिया। हम एसपी साहब के पास गुहार लगाने आए थे इस संबंध में उचित कार्यवाही की जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि सत्ता का इतना दबाव है। सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेश चौधरी जी, उनका भी इतना बिगट दबाव है कि उनके दबाव में आने के कारण भी कोई काम नहीं हो पा रहा। क्या उन्हीं के संरक्षण में मंदिर जो मंदिर की संपत्ति थी वो उसका कब्जा किया जा रहा? हाँ, क्योंकि जिला उपाध्यक्ष उनके हैं तो वो भी पूरा संरक्षण दे रहे हैं। आज हम पहुंचे थे तो जिस टाइम हमारी वार्ता हुई थी उस टाइम वो उपस्थित थे और काफ़ी तेज मतलब अंदाज में वो पुलिस से बात कर रहे थे, हमें अड़का रहे थे। तो प्रशासन क्या आपके सहयोग नहीं कर रहा जो मंदिर की संपत्ति? हमारा कोई सहयोग नहीं कर पा रहा। तो आप योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? हम योगी सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, जहाँ एक तरफ योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इतना भव्य राम मंदिर बनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के कुछ लोग चुनिंदा लोग पूरी सरकार को बदनाम कर मंदिर अवैध मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर उसका निर्माण कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से रोका जाए। अच्छा, जिला प्रशासन के किसी आला अधिकारी साहब ने इसे शिकायत करी? हम DM साहब के पास भी गए थे, हम SDM साहब के पास भी शिकायत लेकर पहुँचे थे, लेकिन काम रुका, उन्होंने भी किसी को काम रुकवाने वहाँ भेजा था लेकिन उन्होंने भी भगा दिया। वरुण त्रिवेदी, ये बताइए पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय पाए हुए क्या है पूरा मामला? मंडी चौक में बलराम मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, पूरे मंडी चौक के मोहल्लों की आस्था है उसमें, मोहल्ले के लोगों की, और 1980 से वहाँ स्थित है और अभी सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष और राकेश वर्मा जिला उपाध्यक्ष राजीव शर्मा के नाम एक बैनामा कराया गया नरेंद्र शर्मा के द्वारा, फर्जी बैनामा, और उसी विभाग पे आज निर्माण कार्य चल रहा है। महसूस आपसे गुहार करने आए मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने SDM साहब अमरोहा उप जिलाधिकारी कार्यालय पे भी जाके इस बात की शिकायत की कि अब बिना मानचित्र स्वीकृत किए निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हम लगातार कप्तान साहब जिलाधिकारी कार्यालय पे भी जा चुके हैं और उप जिलाधिकारी कार्यालय पे भी हमने गुहार लगाई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो वैसे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहाँ निरंतर लगातार निर्माण कार्य जारी है। 1980 से जहाँ मंदिर स्थापित है वहाँ आज भी पूजा होती है और पूजा के बाद भी आज वहाँ पर निर्माण चल रहा है, तो कौन लोग काम कर रहे हैं? मंदिर की संपत्ति है। अच्छा, तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष का भी नाम सुनने मारा है, इसमें क्या कौन है?
बीजेपी जिलाध्यक्ष ब्रजेश चौधरी, उनके संरक्षण में भी काम चल रहा है। काम चल रहा है। अच्छा, आप एसपी से भी मिले, एसडीएम से मिले, क्या आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से हम ये गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी ने श्री राम मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण कराने में प्रयास लगे हुए हैं, और एक तरफ हमारे अमरोहा में मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द किया जा रहा है लगातार। तो ये पहले से भूमाफिया रहे होंगे जो बीजेपी में आए? अब योगी जी से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी योगी से निवेदन है, गुहार है हमारी योगी जी से कि हमारे मंदिर की संपत्ति को बचाया जाए। तो प्रशासन आपका कोई सहयोग नहीं कर रहा है? किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। मंदिर पंडित बलराम मंदिर जो में स्थित है, उसकी संपत्ति शहर में 3-4 जगह है, और ये भूमाफिया जो है ये जाली अपने वो नाम चढ़वा के नगर पालिका में उसे बेच रहे हैं उसे, जबकि उस पर मुकदमे रिश्ते भी है, मुराद भी मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं मुकदमे। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं उस संपत्ति पे? प्रशासन जो है उनके दबाव में है, नेताओं के, वो उस नहीं करना चाह रहा हो। और एसडीएम साहब से कहा था, उन्होंने तहसील से कर्मचारी भेजे, मगर उन्होंने नहीं सुनी किसी नेताओं ने। कौन सत्ता पक्ष के लोग कब्जा कर रहे हैं उस पर? ये राजीव शर्मा है और राकेश वर्मा है जिला उपाध्यक्ष, और जो जिला अध्यक्ष हैं ब्रजेश चौधरी, उनका भी इसमें बहुत पूरा योगदान है। अब क्या मांग चल रहे हैं? हम चाहते हैं ये मंदिर की संपत्ति जो है खुर्द-बुर्द ना हो, इससे जरा। अच्छा, ये बताइए, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि मंदिर की संपत्ति पे स्टे के बावजूद भी काम चल रहा है? जी, इससे है, इससे है इसमें। आप कौन है उसके मंदिर के? मैं उसके क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिवेदी।